सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेहूं की फसलों में आग लगने का सिलसिला बसस्तू जारी है, जिसका कारण प्रायः शॉर्ट सर्किट ही देखने और सुनने को मिल रहा है। रविवार को थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में किसानों के गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढोरे मऊ गाँव निवासी श्री शंकर त्रिवेदी पुत्र हरिदीन त्रिवेदी के लदाखेड़ा गाँव स्थित गेहूँ की फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते दो बीघे गेहूँ की फसल समेत लगभग पाँच बीघे पराली व कई बीघे जंगल को जला कर राख कर दिया। वहीं सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी धूप में घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगातार इस तरह की आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके चलते खेत जलकर स्वाहा हो रहे हैं, जो कि गहरी चिंता का विषय है। हम आपको बताते हैं कि जिस खेत में आग लगी है वह हमारे रिपोर्टर का भी खेत है। शशिकांत त्रिवेदी के बाबा शिव शंकर त्रिवेदी की दो बीघे फसल जलकर खाक हो गई। S7 की डेस्क रिपोर्ट।